आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाकर चलने वाले जिलाधीश रामवीर ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर निगम मेयर द्वारा बिना अनुमति टुकड़ों में लगाए टेंडर रद्द कर दिए। उन्होंने इन टेंडरों से निगम को वित्तीय नुकसान होने की आशंका जताई और पिछली बार के क्लब टेंडर से निगम को हुई अतिरिक्त आय का हवाला दिया। जिलाधीश ने कहा कि निगम द्वारा ये टेंडर बिना अनुमति के लगाए गए हैं। वहीं निगम मेयर अनिल वासुदेवा ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताते हुए रोष जताया। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति कोई कार्य नहीं होता, निगम कमिश्नर के हस्ताक्षर के बिना कोई भी टेंडर पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति गलत टेंडर लगाए गए हैं तो गलत टेंडर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई बनती है। मेयर अनिल वासुदेवा ने कहा कि प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण फंड्स होने के बावजूद निगम के हाथ बंधे हुए हैं और कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा। इस बारे में जैसे मैंने सारे साथियों से चर्चा की है कि भाई जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फाइनेंशियल रूल्स हैं उसके मुताबिक ही काम होगा। मैंने बताया कि पिछली बार किस तरह से हमने 8 करोड़ 17 लाख के काम में 2 करोड़ 22 लाख की बचत करके और ज़्यादा काम करवाए थे, तो इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। किसी कारण से ये जो टेंडर अभी लगने थे मेंटेनेंस के, ये विदाउट अप्रूवल इन्होंने स्प्लिट कर दिए, तो उसको क्लब करके हम दोबारा से हमने लगा दिया है, तो उसमें भी बचत होगी तो कॉरपोरेशन का फ़ायदा होगा और सारे कामों में इसी तरह की कफायत की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। जो व्यर्थ कर रहे हैं पैसे को, वेस्टेज कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता प्रशासन? नहीं, उस पर भी कार्रवाई हम करेंगे कि ये क्यों बिना अप्रूवल के लगाया गया है, इस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। और सारे कामों की क्वालिटी भी हम चेक करेंगे, जो काम ऑलरेडी हुए हैं इंडिपेंडेंट एजेंसीज हमने हायर करके उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करवानी है जो काम पीछे हुए हैं, ताकि आगे से काम भी बढ़िया हो और पहले जो काम हुआ है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेंटेन करे। सर, खबर तो ये है कि कुछ लोग अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं काफ़ी पिछले लंबे समय से और जो अभी भी नहीं रुके हैं। नहीं, वो तो नियम कानून से, इसलिए हम क्लब करके लगा रहे हैं ना कि अच्छा काम हो, कम पैसे में काम हो और उसकी क्वालिटी भी इंश्योर हो, इसलिए थर्ड पार्टी उसका ऑडिट करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एपी के रोड का जो काम 70 लाख में होता था वो हमने 31 लाख में करवाया, तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें देख के विद इन रूल्स रह के हम अच्छी किफ़ायत से और बढ़िया क्वालिटी के काम करवा सकते हैं। जिलाधीश रामवीर उन्होंने एक मीटिंग की है, उसके बीच टेंडर जड़े निगम ने किए थे वो रद्द किए गए हैं। जरा आम इंसान की भाषा से थोड़ा जा समझाओगे कि मतलब? मैनू ये दसो कि अगर ये लगाए भी इन्होंने, हाँ जी इन्होंने लगाए ना जी, ये कमिश्नर दी अप्रूवल तो बिना कोई काम नहीं हो सकता हैगा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सारी कमिश्नर को लगी है, अगर ये रद्द ही करने सीगे ते ये फिर इस तरह लगाए क्यों? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੱਡਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 50 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਜਿੰਨੇ ਲਗਾਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी काम कमिश्नर दी अनुमति तो बिना नहीं हो सकता। गलत कहंदे है, क्योंकि दूसरा बयान जिहड़ा उन्हां दा सी कि वित्तीय नुकसान पहुंचाण वास्ते निगम नूं ए सारी कार्रवाई होई जिन्हां उन्होंने किसने कीती। गल ते जिन्ने कीती ओनू ही शुड बी। मेरा ते प्रश्न इक्को ही है, मेरा मंतव भी इक्को ही है कि टाइम वेस्ट जिहड़ा होया ओहदे लई शहर वाले साडे तों जवाब मंगदे, मेरे कोल जवाब नहीं हैगा। मैं तो सिर्फ इनी गल कर रहा, यह वित्तीय नुकसान जिहड़ा, वित्तीय नुकसान किस गल दा, मैनूं यह गल नहीं समझ आई। एक्चुअली मैनूं नहीं समझ आई वित्तीय नुकसान किस तरह हैगा, लेकिन अगर इन्हां दे दिमाग दे विच कोई गल हैगी है ते अप्रूवल किन्ने दित्ती है, किन्ने लगाया, उहदे खिलाफ इह की कार्रवाई कर रहे हैं। जी मेरे सर, एक चीज हो रही कि मानते हो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिहड़ा है इस मामले दा? डेफिनेटली डेफिनेटली अड़ंगा पाने की कोशिश है, डेफिनेटली कम ना होण इस गल दा प्रयास है। 15 करोड़ रुपया साडी जेब दे विच पिया, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ अब इस राजनीति से प्रेरित प्रशासनिक खींचतान का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल पठानकोट की जनता को टूटी सड़कों नालियों सीवरेज जैसी समस्याओं के साथ थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा।